फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मानसी मेंदोला देवभूमि उत्तराखंड कोटद्वार से आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग के साथ। और आप सभी को गणेश चतुर्थी के हार्दिक शुभकामनाएं मेरे और मेरी फैमिली की तरफ से। और आज ये 19 सितंबर, आज ये गणेश चतुर्थी, और आपको पता होगा कि मेरे कॉलेज के पेपर चल रहे हैं, तो अभी बज चुके हैं दिन के 12 और मैं जस्ट अभी पेपर दे के आई। अभी देख सकते हैं मैं यहाँ शॉप में हूँ अपनी, और अभी मेरे को पता चला है यहाँ कोटद्वार में एक झांकी निकलने वाली है गणेश चतुर्थी की। चलो मैं आपको दिखाऊंगी। तो कोटद्वार के शिवा स्वीट के सामने एक वेडिंग पॉइंट है जो झांकी वहीं जाएगी। तो चलो मैं आपको दिखाऊंगी, जैसा भी होगा मेरी तरफ से मैं ट्राई करूंगी। बहुत मस्त झांकी आती है कोटद्वार में, मतलब हर जगह ही आती है गणेश चतुर्थी की, बट मैं आपको जो हमारे कोटद्वार की यहाँ की दिखाऊंगी कैसी होती है कैसी नहीं होती है। और अभी 9 दिन तक जो गणेश जी की मूर्ति वो तो वहीं रहेगी, उसके बाद 9-10 दिन के बाद विसर्जन होगा। तो तब तक सब होगा वहाँ रात के सब शाम के समय, तो वहाँ शाम के समय कीर्तन भी, अगर आप लोगों आना हो तो आप लोग आ सकते हैं कोटद्वार के शिवा स्वीट के सिर्फ सामने एक वेडिंग पॉइंट है। मेरे को भी वेडिंग पॉइंट का नाम याद नहीं आ रहा है, मैं आपको वीडियो के आखिरी में बता दूंगी क्या है वेडिंग पॉइंट का नाम। तो चलते हैं, अब आपको झांकी दिखाते हैं। Thank you.
गणपति बप्पा मोरिया। और ये रहे हमारे गणेश जी। चलो मैं आपको सबके सब जो झांकी वाले थे जो बन रखे थे उन सबसे मिलाती हूँ। तो ये रही सबके सब जो उनकी टीम थी, राधा जी, श्री कृष्ण जी, शिव जी, पार्वती, और यहाँ पे मतलब सबके सब जो कलाकार थे मैंने सोचा उनको भी दिखाना चाहिए। तो ये रहे वो सब के सब। तो मैं ज़्यादा बहुत ही अच्छी तरीके से गणपति बाबा का हम लोगों ने यहाँ पे स्वागत कर रखा है। तो मैं आपको अच्छे से नहीं दिखा पाई क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा डीजे और झांकी भी बहुत ज़्यादा आ रखी है यहाँ पे अभी। और शिव पार्वती जी, श्री कृष्ण जी की बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मज़ा आया। और आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं वहाँ पे है मूर्ति, तो दर्शन करके मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अभी बरसात पड़ रहा है और लोगों ने आप पीली कलर की साड़ी और फूल रेडी हो रखे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं वो लोग। तो चलो मैं आपको आगे का प्रोग्राम दिखाऊँगी। जैसे कि मैंने बोला बाबा मोरिया रे, गाने सुनाओगे गाओ रे बाबा मोरिया रे, मोरिया रे बाबा मोरिया रे। कैसे लगा था आपको दर्शन करके? और जो रैली आई थी सबके सब बहुत अच्छे, तैयार भी अच्छे से हो गए। प्रसाद ले लिया हमने? प्रसाद मिल रहा था अभी नहीं लिया। अच्छा, अभी आप फिलहाल आप बाबा के यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं और बहुत अच्छी मूर्ति भी बना रखी है ना, अच्छे लग रहे हैं। हर बार मतलब हर बार बहुत अच्छे मतलब बन के आते हैं। हर बार मतलब नए उसमें आते हैं। हर बार मतलब बड़े चतुर्थी का मतलब सालों से इंतजार रहता है कि अब साल भर में एक बार कब आएगी बाबा के दर्शन कब होंगे। मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, इंतजार रहता है कि 10 दिन बाद बाबा के चरणों में मतलब कीर्तन होता है 4 से। अच्छा, कीर्तन भी होता है? और जो भी जो झांकी आ रखी है अभी वहाँ कुछ डांस करेंगे बोलोगे यहाँ पे? कुछ होगा बस यहाँ पे पूजा स्थापना हो गई बाबा की। अच्छा, 4 बजे से 10 दिन तक वो कीर्तन भजन वगैरह होता है। अच्छा अच्छा कीर्तन होता है। अच्छा, मुझे लगा कि अभी जैसे बाबा के यहाँ पे आई है तो यहाँ पे डांस वगैरह कुछ होगा। अच्छा, पहले दिन रात को जागरण होता है, तब होता है डांस वगैरह, झांकी वगैरह सब होती है। अच्छा, हाँ मैं सोचा आपसे पूछती, मेरे को ज्यादा ही पता नहीं है क्योंकि। अच्छा, थैंक यू। और जो गणेश चतुर्थी आती तो लगता है कि 10 दिन बहुत कम है, तो लगता है कि बाबा का पूरे साल में घर में आना चाहिए। सही बोल रहा है, बाबा की एंट्री बहुत अच्छी रहती है। थैंक यू। जी को यहाँ पे ला रखे और यहाँ पे थोड़ा बहुत पूजा पाठ यहाँ पे चल रही है, ये आप लोग यहाँ देख सकते हैं। और ये आगे की तरफ सबके सब यहाँ पे बैठ रखे हैं। चलो मैं आपको दिखाती हूँ, आंटी लोग से तो आप लोग मिल गए होंगे। और आगे दिखाते चलो आपको। तो अभी यहाँ पर साथ खा रहे सब। ये रही मेरी मम्मी। तो गाइस यहाँ पे प्रसाद के रूप में कड़ी और चावल दिया जा रहा है। हेलो गाइस, हम गणपति बाबा की मूर्ति लेके आए गुरु नानक में जो फाइट में थी। और बहुत ज्यादा गर्मी हो रही आज, ठाकुर द्वार में हद वाली गर्मी तो हो रही है। आज स्थापना हुई गणेश भगवान जी की और बहुत अच्छा लगा। और साथ में झांकी देख के भी बहुत ज्यादा मजा आया था, डांस वगैरह भी हो रहा था वहाँ पे। सबके सब बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि एक त्यौहार है। गणपति बाबा को झांकी के साथ लाए। एक बार मम्मी बोलते गणपति बाबा मोरिया, गणपति बाबा मोरिया, गणपति बाबा मोरिया, तीन बार। आवाज भी नहीं आ रही, गर्मी हो रही बहुत ज्यादा। हाँ, और अब देख सकते हैं कितने पसीने से हम कर रहे हैं। पंखे भी लगे थे लेकिन बहुत गर्मी। हाँ, और प्रसाद का क्या था, कड़िया चावल था प्रसाद में। हाँ, तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा। ज्यादा लंबा ब्लॉग नहीं, छोटा सा ब्लॉग है। तो मुझे उम्मीद है आपको ब्लॉग आज का अच्छा लगा होगा। तो आप लोगों को क्या करना है, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। ओके, बाय।